कहानी 43वीं। कलेसिया की शुरुआत हुई। यशु रे स्वर्ग जाने के बाद चेले यरूशलेम च ही रहे, जेड़ा यशु ने तिना जो करने जो बोलिया था। तिथि रे लोग रोज प्रार्थना करने खातर कट्ठे हुए थे। हर साल फसेरे त्योहारा रे 50 दिन बाद यहूदी लोग पिंतेकुस्त नामा रे जरूरी दिना जो मना थे। पिंतेकुस्ता रे समय जब यहूदी लोग कणका री कटाई करा थे, सारे संसारा रे यहूदी लोग पिंतेकुस्त रे दिना जो एक साथ मनाने यरूशलेम आए। इस साल पिंतेकुस्त मनाने रा समय यशु रे स्वर्ग जाने रे 7 दिना बाद आया था, जिस समय सारे विश्वासी लोग एक जगह कट्ठे हुए थे। जिसका रच थे तिथि एकदम जोरा री हवा चली, तब आगरी लपटा साई दिखने वाला कुछ विश्वासिया रे सिरा पर दिखया। से सारे लोग पवित्र आत्मा कने भरे गए और तिने अलग अलग बोलियां च परमेश्वर री स्तुति कीती। ऐसे बोली थी जिना जो बोलने खतर तिना जो पवित्र आत्मा ने तैयार कित्या। जब यरूशलेम च रहने वाले लोगों ने तिना री वाजा सुनिया, तब से बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। तिथि देखने आए भई क्या होने लग रहा। तिने विश्वासी जो परमेश्वर रे कितरे बड़े बड़े कामा रे बारे च बतांदे सुनिया, से हैरान थे भई से तिना कामा जो अपनी बोलिया च सुनने लग रहे थे। इना लोगों ने बोलिया भई चेले नशे चे, पर पतरस खड़ा हुआ और तिने जो बोलिया मेरी बात सुनो, ये लोग नशे च नहीं है बल्कि जो तुसे देखने लग रहे सही है जो योएल भविष्यवक्ता ने बोलिया था भई होना। परमेश्वर ने बोलिया आखिरी दिना च आऊँ अपना आत्मा तुसा पर पांगा। हे इसराइली आदमियों, यीशु एक एड़ा मनुष्य था जिन्हें ये दिखाने खतर भई से कुणा बहुत सारे अनोखे काम किते। तिने परमेश्वर की शक्तियां ने बहुत सारे अनोखे काम किते। तुसे ये जाना है तुसे तीसरे काम देखी रे, पर तुसे तीसो क्रूसा पर चढ़ाई था। यीशु मरी गया पर परमेश्वर ने तीसो मरी के भी जिंदा करीता। इन्हें तीसा बाता जो पूरा करीता जीते जो एक भविष्य वक्ता ने लिखा था भई तू अपने खरे आदमिया जो कब्र च सड़ने नहीं देंगा। असे इत्ते बाता रे गवाह है भई परमेश्वर ने यीशु जो दोबारा जिंदा करीता। परमेश्वर ने अब यीशु जो अपने दाहिनी तरफा जो बठाई के तीसरा आदर कित्या और यीशु ने असा खतर पवित्र आत्मा भेजी जीते रीति ने कसम खाई थी भई से भेजगा। पवित्र आत्मा ही तिना कामा जो करने लगी जीते जो तुसे देखने और सुनने लगी। तुसे तीस आदमियों जो क्रूसा पर चढ़ाएता, पर याद रखो परमेश्वर ने यशु जो सभी चीजें पर राजे और मसीही दोनों बताया। पतरसा री बात सुन के लोग हैरान हो गए। इत्ते खतर तिने पतरस और चेलिया ते पूछा हे भाई असा जो क्या करना चाहिए। पतरसा ने तिना जो बोलिया तुसा में ते हर एक अपने पापा री माफी मंगो, तब परमेश्वर तुसारे पाप पापा जो माफ करगा। और यीशु मसीह रे नाम ते बपतिस्मा लियो, तब से तुसा जो वरदाना साई पवित्र आत्मा देंगा। पतरसा ने जो बोलिया तीते पर 3,000 लोगों ने भरोसा कित्या और यीशु रे चेले बन गए। तिने बपतिस्मा लिया और यरूशलेम री कलीसिया रा हिस्सा बन गए। जब प्रेरिता ने तिना जो शिक्षा दीती, तब विश्वासिया ने ध्यान लगाई के सुनिया। से आपसा च मिलने लगे और एक साथ बैठी के रोटी खाने लगे और एक दूजे खतर प्रार्थना करा थे। तिने मिली के परमेश्वर की आराधना कीती और जो कुछ तिना के था तिने एक दूजे कने बंडया। नगरा रा हर आदमी तिना जो माना था, रोज ज्यादा ते ज्यादा लोग विश्वासी बनने लगे।